क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग की ग्रेटनेस की जो जर्नी है इसको इन्जॉय करना, इस पर चलते रहना और ग्रेटनेस को अचीव करना। मेरे अंदर के इंट्यूशन से रिलेट कर रहा था कि यार मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मेरी भी मैंटेलिटी ऐसी है अपने गेम के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। मैं मतलब आई हैव लॉस्ट इन माई क्राफ्ट, डूब गया हूँ। मतलब ये मेरा क्राफ्ट है बॉडी बिल्डिंग और मैं इसमें एकदम डूब चुका हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमारा एक विज़न भी है। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे कामों में, दूसरी चीज़ों में, इसलिए हम अपने विज़न को खो देते हैं। क्योंकि हम अपना वाई भूल जाते हैं, अपना पर्पस भूल जाते हैं कि हमने वो काम क्यों स्टार्ट किया था। और विज़न बोर्ड ये आपको रोज़ याद दिलाएगा कि आपने क्यों ये काम स्टार्ट किया, आपको क्यों वो बनना है, आपको क्यों उस जर्नी को तय करना है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विज़न बोर्ड। और विज़न बोर्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि मैंने क्यों अपना विज़न बोर्ड बनाया और विज़न बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, विज़न बोर्ड का बेसिकली क्यों हम लोग के पास एक विज़न बोर्ड होना चाहिए। हम लोग को विज़न के जो जर्नी है, हमारी जो जर्नी है विज़न को पाने की, उसमें क्या हेल्प करता है हमारा विज़न बोर्ड, ये सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबका अपना अपना एक फील्ड होता है, सबको अपने अपने एक फील्ड में जाना रहता है, तो उस हिसाब से लोग अपना एक विज़न सेट करके चलते हैं अपने लाइफ में कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वैसे ही मेरा भी एक विज़न है जो मैं हमेशा चैनल पर डिस्कस करता रहता हूँ, एंड उसी के रिगार्डिंग में मैंने अपना विज़न बोर्ड बनाया है जो कि ये है। बेसिकली मैं डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंडसेट मेरे विज़न बोर्ड से अलग है। मेरा विज़न बोर्ड मेरे विज़न से रिलेटेड है जो कि है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग की ग्रेटनेस की जो जर्नी है इसको इन्जॉय करना, इस पर चलते रहना और ग्रेटनेस को अचीव करना। और जो मेरा माइंडसेट है ना वो मेरे विज़न बोर्ड को कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब ये माइंडसेट मैं इसीलिए रखा हूँ, इन पोस्टर्स पे जो कोटेशन लिखे हैं ना ये बेसिकली मैंने चुन चुन के इसीलिए एक एक पोस्टर को मंगाया है, ताकि एक एक पोस्टर मेरे माइंडसेट से कोरिलेट कर रहा था, मेरे अंदर के इंट्यूशन से रिलेट कर रहा था कि यार मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मेरी भी मैंटेलिटी ऐसी है। इसलिए मैंने चुन चुन को एक एक पोस्टर फुटबॉलर्स का मंगाया है जो कि मेरे माइंडसेट से एकदम डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, CR7 का एक कोटेशन है जो कि मैं खुद वैसा सोचता हूँ, मेरी खुद वैसी मैंटेलिटी है, और इसीलिए मैंने उसे अपने माइंडसेट वाले सेक्शन में लगाया है। इफ़ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट then you will never achieve all that you are capable of. Cristiano Ronaldo. I never do anything half-heartedly. I will continue to work hard and play hard and do everything I can to be successful whatever I do. David Beckham. The secret is to believe in your dreams, in your potential, that you can be like your stars. Keep searching, keep believing, and don't lose faith in yourself. There is no pressure when you are making a dream come true. Neymar Jr. You have to fight to reach your dreams. You have to sacrifice and work hard for it. Lionel Messi. Mindset वाले section में देखा कि एक एक athlete को मैं चुन चुन के, उनके quotations को चुन चुन के मैंने posters को मंगाया है, ताकि जब भी मेरी इसमें नज़र पड़े ना तो मुझे अपना mindset याद आए, मुझे याद आए कि यार मैंने क्यों bodybuilding शुरू की है, मुझे याद आया कि यार मेरी बॉडी बिल्डिंग का जो जर्नी है ना उसके लिए जो माइंडसेट मुझे चाहिए ना वो ये है। मैं ऐसा ही सोचता हूँ अपने गेम के विषय में, अपने गेम के बारे में, अपने ट्रेनिंग के बारे में, अपने मील्स के बारे में, अपने रिकवरी सिस्टम। मतलब मैं आई हैव लॉस्ट इन माई क्राफ्ट, मैं अपने क्राफ्ट में एकदम डूब गया हूँ। मतलब ये मेरा क्राफ्ट है बॉडी बिल्डिंग और मैं इसमें एकदम डूब चुका हूँ। बढ़ते हैं अब फिजिक अपडेट की तरफ। आने वाली है फिजिक अपडेट की वीडियो। वेट है वही 88 kgs, 80। देखो अभी इस समय ना वेट मेरा 87, 88, 89 kgs पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी 87, कभी 88, कभी 89, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 88 kgs तक रह रहा है। तो ये रही उसकी वीडियो, देख लो ऐसी फिजिक दिख रही है 88 kgs पे। और 20 अगस्त के बाद से कटिंग चालू होगी एंड दिसंबर तक ओवर हो जाएगा कटिंग। इस साल कितना मस्कुलैरिटी डेवलप की, इस साल कितना इम्प्रूव किया मैंने, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। एंड आई मैं ऑब्सेस हो चुका हूँ इम्प्रूव होने के लिए। तो ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, देखो फिजिक अपडेट।
बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बस यही कहूँगा आखिर में जो मैं कहता हूँ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। वॉरियर क्लैन इन पावर।